वहीं होटल के सिविल हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह ने बरसात के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया से सावधानी बरतने की सलाह दी है। हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर महिपाल की खास रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं होटल के सिविल अस्पताल में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजीत सिंह, जो यहाँ के एसएमओ हैं। बरसात का मौसम शुरू हो गया है, इसमें क्या क्या तैयारियां हैं आइए जानते हैं उनसे। सर जी नमस्कार सभी जनों को। और सिविल अस्पताल जो हमारा होटल है, ये सब डिविजनल सिविल हॉस्पिटल है। हमारी पूरी तैयारियां हैं बरसात के मौसम में। हमारी टीम है, सेपरेट मलेरिया टीम है, जिसमें मलेरिया वर्कर हैं, हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर हैं, जो हाउस टू हाउस विजिट करके देखते हैं कि भाई कहीं कोई जल भराव तो नहीं है, और कहीं अगर जल भराव है तो लोगों को इसमें जागरूकता अभियान चला रखा है, जिसमें बताते हैं कि भाई कहीं पानी जमा ना होने दें, कहीं गड्ढे में पानी है तो वहाँ थोड़ा सा मिट्टी का तेल या किसी प्रकार का भी तेल है वो डाल दें, नहीं तो हमारे अस्पताल से टेमीफॉस की दवाई है वो उपलब्ध कराई जाती है, जो जहाँ भी जल भराव है वहाँ डाला जा सकता है, ताकि जो मच्छर है वो पनप ना पाए और आगे अपने लार्वा वहां ना दे पाए। तो एंटी लार्वल एक्टिविटीज में छत, जो घर की छत है, जो टूटे बर्तन है, गमले हैं, टायर है, इन सब में जल भराव होने की संभावना होती है, तो इसको खाली कराना हमारी टीम का काम है। और बाकी जगह जगह जागरूकता फैलानी है। और इसमें यह है कि जब भी ये मौसम आता है तो जो मच्छर से काटने वाली बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, चिकनगुनिया है, डेंगी है, इन सब का आने की संभावना रहती है। और जैसे कि मैंने पता किया है पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ ना तो कोई डेंगी का केस है ना मलेरिया का है, तो हमारी टीम पूरी तरह से मतलब तैयार है। और जहाँ कहीं भी कोई तेज बुखार का मरीज होता है उसकी हम स्लाइड बनाते हैं, घर घर जाके स्लाइड बनाई जाती है। और जो हमारे पास पैसिवली ओपीडी में आते हैं, तो सभी डॉक्टरों को कह रखा है जितने भी तेज बुखार के मरीज आए उनकी स्लाइड बनाई जाए, जांच की जाए कि मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू, ये बीमारियां इनमें है कि नहीं है, और उसके बाद अगर है तो उसका पूरा उपचार किया जाए। उपचार करने के लिए हमारे पास सारी दवाइयां उपलब्ध है, तो यही मैं कहना चाहूंगा। लोगों को और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कि पानी भर जाता है वो अपने आसपास पानी ना भरने दें, या क्या उनको और जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, पानी जहां भरेगा तो वहां जो है मच्छर तो पनपेंगे ही, तो लोगों को यही कहूंगा कि आसपास अपने घरों के पानी ना भरने दें, साफ सफाई रखें, और पानी नहीं होगा तो मच्छर भी नहीं होगा। तो जो डेंगू का मच्छर है ये घरों में साफ पानी में रहता है, और जो ये मलेरिया का मच्छर है ये बाहर गंदगी में, जैसे गड्ढों में, गमलों में, छतों पे जो टायर है इनमें रहता है। तो जितनी साफ सफाई रखेंगे, पानी का जल भराव नहीं होगा तो उतने ही मच्छर जो है पनपने में उतने ही मतलब ना पनप पाएंगे, और स्वास्थ्य हमारा जो है सबका ठीक रहेगा। तो ये थे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर मंजीत सिंह। लोगों को उन्होंने सलाह दी है कि आपने आसपास पानी ना भरने दें, और कहीं पानी भरा तो उसको बताएं।